कक्षा 10 गणित आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको पूरी गणित अच्छे तरीके से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में इसका जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, आपके जो सिलेबस में 15 चैप्टर हैं, ठीक है, 15 चैप्टर वास्तविक संख्या से शुरू होकर प्रायिकता पे ख़त्म होती हैं। सो जो वास्तविक संख्या का जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन ही नहीं समझाऊंगा, इसका जो फुल कॉन्सेप्ट है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ रटवाना मेरा मकसद नहीं है, मेरे को समझाना मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। चीज़ों को जब आप समझ जाओगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी और हम चीज़ों को आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अभी प्रश्नावली 1.1 पे आएंगे, उससे पहले जो बेसिक जो ज़रूरत है, जो चीज़ें हमें जाननी चाहिए वास्तविक संख्या के बारे में, वो हम जान लेते हैं फटाफट से, एक बार उस पर नज़र डालते हैं। देखो, अगर संख्याओं की बात की जाए, संख्याएं तो ये दो तरह की होती हैं। ठीक है, कितने तरह की होती हैं? दो तरह की, नंबर 1 और यहाँ पर लिख दो नंबर 2। पहले नंबर पर जो आती है वो आती है वास्तविक संख्या, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। और आपके मन में आ रहा हो भाई ये दूसरा कौन सा है? दूसरी संख्या होती है काल्पनिक संख्या है। ठीक है, काल्पनिक संख्या वो संख्या है जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसे हम काल्पनिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, अस्तित्व कैसे नहीं होता है वो भी मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा। और ये जो सिलेबस में आपके नहीं है, ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे। अगर आप मैथ्स लेते हो, काल्पनिक संख्याओं के बारे में डिटेल में जानने को मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 5 कक्षा 11 की जो सम्मिश्र संख्या है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये वाला चैप्टर, इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या नहीं होता है। अगर आपके पास ये बोल दिया जाए कि इसका मान निकालो, एक्स के दो मान निकालो, तो आप क्या करोगे? माइनस के 2 उधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 2 उधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। और एक्स का मान जब निकालने के बोलेगा तो प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस का 2 आ जाएगा। आप बोलोगे सर इसका तो मान हम निकाल नहीं सकते क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस है। और यही चीज़ यहाँ से ही उत्पत्ति होती है किसकी? काल्पनिक संख्या की। और कक्षा 11 में जब आप जाओगे, कक्षा 11 में जाओगे तो इसका मान भी आप निकाल लोगे। अभी मैं नहीं निकालना सिखा रहा हूँ, अभी हमारा मेन मकसद है वास्तविक संख्याओं के बारे में जानना। वास्तविक संख्या कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहली संख्या मैं बता रहा हूँ, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, नंबर 2 प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या के बाद आपका आता है क्या? प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, परिमेय संख्याएं। ठीक है, चौथा किया जाएगा अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, फिर पांचवे में क्या जाएगा? पूर्णांक। तो इस तरीके के ये सभी संख्याएं ये वास्तविक संख्याओं में आता है। ठीक है, ये क्या आता है? वास्तविक संख्याओं में आता है। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आपको पता ही होगा, अगर मैं पहले नंबर पे बात करूं, एग्जांपल में दूं आपको पहले वाले पे, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इन देखो सिर्फ चीज़ों को रटना नहीं है। अब अगर आप बोलोगे कि मेरे को सिर्फ मार्क्स चाहिए, मेरे को बस नंबर से मतलब है, तो ये चीज़ छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक आप चीज़ों को सीखोगे नहीं, आगे चल के आपके छोटे भाई बहन होंगे, आप अगर कभी टीचर बने, आपसे अगर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे सर बताओ ये क्या होता है वो क्या होता है, तो आप तो बता नहीं पाओगे। तब आपको खुद से होगा कि काश मैं चीज़ों को सीखता, काश मैं सिर्फ रटता नहीं तो मैं आज भी इनको बता पाता। तो उसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इन सब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हमेशा मैथ्स में चीज़ों को सीखने के लिए जाओ, रटने के लिए नहीं। और मैथ्स बहुत ही सिंपल होती हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट सही होंगे तो मैथ्स आपको बहुत ही सिंपल लगेगी। देखो, प्राकृतिक संख्या कोई डेफिनेशन नहीं दूंगा मैं आपको, सिंपल जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, एग्जांपल इस प्राकृतिक संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं, एन फॉर नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं का अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, गिनती के नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे ही चलता रहता है ना, ख़त्म नहीं होगा कभी, है हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी पर ये नंबर नहीं ख़त्म होंगे। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 2 पे क्या आ जाता है? पूर्ण संख्याएं।
पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स को डब्लू से प्रदर्शित किया जाता है। और इसको याद रखने का मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। 0 + n, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उसको बस 0 से शुरुआत कर दो। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता रहेगा। तो ये हो गई पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के अलावा 0 भी सम्मिलित होता है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होता है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। अब मैं यहाँ पर पूर्णांक की बात कर देता हूँ। पहले पूर्णांक, पूर्णांक को जेड से प्रदर्शित किया जाता है। जेड पूर्णांक में 0 भी आता है, +1, +2, +3 ऐसे इधर चलता रहेगा। इस तरफ -k1, -k2, -k3, -k4 इधर ऐसे चलता रहेगा। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जान ली, पूर्ण संख्याओं के बारे में पता हो गया, पूर्णांक हमने जान लिया है। अब हम किस पे आएंगे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर। ये बहुत ज़रूरी है। देखो, परिमेय संख्या अगर पता चल गया तो ऑटोमेटिकली अपरिमेय संख्या पता चल जाएगी। कि जो संख्याएं परिमेय होती हैं, जो संख्या परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होती हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या हम जानते हैं। परिमेय संख्या प्रत्येक संख्या जिसे हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, प्रत्येक संख्या जिसे हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू का मान कभी 0 नहीं हो सकता, वह पी व क्यू पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। वह जो पी और क्यू का अगर आप HCF निकालो, है ना, एक होता है LCM, एक होता है HCF। अगर पी और क्यू का आप HCF निकालो तो क्या आना चाहिए? 1। जो संख्याएं इन चीज़ों को संतुष्ट करती हैं उसे ही हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। प्रत्येक संख्या जो पी बट्टे क्यू के रूप में लिखी जाए, जहाँ क्यू का मान 0 ना हो, पी और क्यू वहाँ पूर्णांक होने चाहिए, साथ ही साथ और पी और क्यू का जो HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, तभी हम उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, 0 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन में पूछता है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल है। क्या 1/0 परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि बट्टे में 0 आ गया है। ठीक है, बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ तो 0 आ रहा है। अब आपसे मैं बोलूँ क्या 2/4 एक परिमेय संख्या है? उससे पहले 1/3 एक परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल है। 1 और 3 पूर्णांक है, नीचे 0 भी नहीं है, और इन 1 और 3 का HCF 1 होता है, तो ये एक परिमेय संख्या है। परंतु 2/4 अभी एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, नीचे 0 नहीं है, चलो ठीक है। लेकिन 2 और 4 का अगर HCF निकालोगे तो कितना आएगा? 2। 2 भी 2 से कटता है, 4 भी 2 से कटता है, लेकिन HCF 1 नहीं आया। इस वजह से ये अभी फिलहाल 2/4 तो परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये सरल हो सकता है। ये तो बहुरूपिया है, इसे हम क्या बोलेंगे? बहुरूपिया। इसका अलग रूप है। इसका अलग रूप क्या है? 2 + 1 = 2, 2 × 4। अभी ये जो 1/2 है ये परिमेय संख्या है, परंतु 2/4 को परिमेय संख्या नहीं बोल सकते। इसका सरल रूप जो है वो परिमेय संख्या ज़रूर है। ठीक है, तो परिमेय संख्या के बारे में जान लिया हमने। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या परिमेय नहीं होती वो संख्या क्या होती है? अपरिमेय, ये बोल सकते हैं। और अपरिमेय में मैं थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होता है? और जितनी भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या आप जानते हैं ना, अभाज्य संख्या जो सिर्फ स्वयं से कटे, स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, अगर उसका सिर्फ अंडररूट कर लोगे, कोई भी अभाज्य संख्या जैसे √2, √3, √5, √7 ये सभी क्या हैं? अपरिमेय संख्या हैं। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 1.0010001, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये चलता रहेगा, दशमलव पर सारे इसका अशांत है। ठीक है, और अनावर्ती है, इसी वजह से ये क्या है? अपरिमेय। ठीक है, तो ये अपरिमेय हुआ, ये अपरिमेय। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ 1.3, की 3 भी चल रहा है, मतलब बार 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 3 आएगा, इसका मतलब यही हुआ ना, ऐसे चलता रहेगा। तो ये परिमेय है या अपरिमेय है? ये है परिमेय। क्या परिमेय? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके 1 मार्क्स में।
तो किसी भी दशमलव प्रसार में अगर कोई संख्या बार 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 आवृत्ति आ रहा है तो उसे हम पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो वो क्या हो जाएगी परिमेय। ठीक है, दशम ये अशांत है लेकिन आवृत्ति है, आवृत्ति होने के कारण ही ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। इतना आगे समझ में परिमेय अपरिमेय के बारे में। अब थोड़ा और जानकारी मैं बताना चाहता हूँ जो आपके यहाँ पर है। एक परिमेय है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मैं कोई भी चीज़ रटवाऊंगा नहीं, समझाऊंगा ओनली। तो यूक्लिड विभाजन क्या कहती है भाई, आपके पास अगर दो नंबर हैं ए और बी, अगर आपके पास दो नंबर हैं, यूक्लिड विभाजन ने क्या कहा, यूक्लिड ने क्या कहा, अरे भाई अगर आप तू दो नंबर लेता है, मान ले कि ए नंबर बी से बड़ा है, ये जो नंबर है बी से बड़ा है, तो बड़े वाले नंबर को किस प्रकार से लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ इस आर का जो मान होगा वो हमेशा इस बी से छोटा होगा और जीरो या जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, इसने ये बोला यूक्लिड विभाजन में, अगर आपके पास दो संख्याएं हैं ए और बी, अगर ए बड़ा है तो ए को हम लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर के रूप में, जहाँ आर का मान हमेशा बी से छोटा होगा या जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, और ये क्यू क्या है, क्यू है आपका भागफल, आर है आपका शेषफल। ठीक है, तो मैं आपको दो उदाहरण लेके समझाता हूँ, एक उदाहरण लेके समझाता हूँ, दो नहीं एक, एक से ही समझ में आ जाए। एक संख्या मैंने लिखी 5 और एक संख्या मैंने लिखी 2, ये है ए के स्थान पर, ये है बी के स्थान पर, ये बड़ा है 5 बड़ा है, तो आपको क्या करना है, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 2 × 4 घटाएंगे, शेषफल क्या बचा, 1। ठीक है, तो ये क्या हमारा, ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है, आर का मान देखो 2 से छोटा आया है, हमेशा बी से छोटा होगा या जीरो से बड़ा होगा, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, ये ए है, ये बी है, फिर क्या आता है क्यू, क्यू मेरे पास कितना है 2, फिर क्या आता है आर, आर मेरे पास कितना है 1, तो मैं देखो इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, सो ये मेरा क्यू है, ये मेरा क्या है आर है। अगर मैं बाएं पक्ष को सरल करूं, 2 × 4 + 1, तो ये 5 के बराबर आया, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आया, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो ये भी हो गया, देखिए यही सब चीज़ आपके यहाँ पर लिखा होगा, कहाँ पर, ये प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, इसे आप अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लेना, और जो उदाहरण मैंने दिया वो लिख लेना। अब आएंगे हम प्रश्नावली 1 में, वास्तविक संख्या आएगी। ठीक है, और इसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं, हालांकि सॉल्व किया हुआ है तो इसे आप बाद में खुद से कर लेना, मैं आपको प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करवा रहा हूँ, बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, जिनकी मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, या फिर एक बार आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। देखो दो चीज़ आप छोटी क्लासों से सीखते आए हो, पढ़ते आए हो, क्या क्या है वो दो चीज़ें, एक है HCF, एक है LCM, है ना। HCF निकालने का जो गुणनखंड विधि है वो छोटी क्लासों से पढ़ते आए हो, लेकिन यहाँ पर किस किस विधि का उपयोग करना है, प्रश्न एक नंबर में क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, बड़ा शानदार। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहे हैं, यूक्लिड विभाजन से हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, तीनों का करेंगे, पहला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में पूछा सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पहला और तीसरा है, हालांकि तीनों ही इंपॉर्टेंट है, कर लेना। पहला वाला करते हैं, 135 और 225 है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, 135 व 225। ठीक है, हल में आ जाओगे, हल लिखोगे यहाँ 225 बड़ा है 135 से,
बड़ा है तो यहाँ के लिख दोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखने के बाद बाकी सरल करेंगे। रूल आपको पता है, ये नियम, बड़ा वाला इस तरफ आएगा बराबर छोटा वाला इस तरफ, ठीक। आपको छोटे वाले से बड़े वाले में क्या करना है, भाग देना है, भाग देना आना चाहिए आपको। यहाँ पे 3 संख्याएं, यहाँ पे भी 3 संख्याएं, 135 दो बार में 270 ज़्यादा हो जाता है, एक बार ही जाएगा। कटाएंगे 5 में से 5 गया 0, ठीक है। 12 में से 3 गया, कितना जाएगा देखो, यहाँ से हासिल लेगा एक ना, 12 में से 3 गया, कितना जाएगा आपका 90, ठीक। सो कितनी बार गया, एक बार, और शेषफल कितना बचा, 90, ठीक। अब क्या करना है आपको, इसको और इसको लेना है। तो यहाँ पर अगर एकदम ढंग से लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो चरण 1, ठीक। फिर यहाँ पर लिख देना चरण 2। चरण 2 में क्या होगा, 135 इधर आ जाएगा, 90 इधर। अब आपको क्या करना है, 90 यहाँ लिखना है और 135 यहाँ लिखना है। 90 एकम 90, 90 दूनी 180 ज़्यादा हो जाते हैं, घटाएंगे तो कितना जाएगा, 45। सो 90 एकम 90 कितना बचा, 45, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक यहाँ है, एक ये नंबर यहाँ है। सो अब क्या लिखोगे आप, चरण 3, तो यहाँ 90 आ जाएगा, यहाँ 45 आ जाएगा, ठीक है। 45 से भाग देना है किस में, 90 में, 45 दूनी 90। हमें तब तक भाग देना है जब तक कि शेषफल क्या ना आ जाए, 0। आ गया 0, कितनी बार गया, 2 बार, और शेषफल क्या आ गया, 0। वो संख्या देखनी है अंतिम जिससे आपने भाग दिया है लास्ट, किससे आपने अंतिम बार भाग दिया था 45 से, या फिर शेषफल 0 आया उसके जस्ट ऊपर वाला देखो, ठीक है। ये लिख देंगे हम, ठीक है। तो अंतिम शेषफल 0 है व भाजक कितना है, 45 है अंतिम। अतः हमारे पास HCF क्या हो जाएगा, अतः HCF क्या होगा, 45। HCF किसका किसका, 135 और 225 का, कितना जाएगा, 45 आंसर, ठीक है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ये। तो इसी तरीके से हमें सारे प्रश्नों को हल करना है। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास है 196 और 3 8 2 2 0, ठीक है, ये नंबर है। तो वही चीज़ लिखेंगे हल में, यहाँ हल, यहाँ पर क्या है, ये नंबर बड़ी है 3 8 2 2 0, वह छोड़ो, ये 196 से ये बड़ी है, तो ये लिख दो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। सो यहाँ पर छोटा वाला लिखोगे 3 8 2 2 0, और यहाँ पर 196 आ जाएगा, 196 से भाग देना है इसके अंदर, ठीक है, 3 8 2 2 0। 3 डिजिट यहाँ लेंगे, तो देखो ये 400 के आसपास है, ये 2 बार में इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा, 196 एकम 196, घटाएंगे, ठीक है। घटाने पे कितना आ जाएगा देखो, यहाँ से आ जाएगा 12 में से 6 गया 6, यहाँ से बचा 7, 17 में से 9 गया 8, ठीक है 8, और यहाँ से 2 में से 1 गया 1, 186 बचेगा, तो इससे छोटा है 1 हासिल लेंगे, यहाँ से 2 लग गया, ठीक। तो देखो यहाँ से 3 डिजिट, यहाँ 3 छोटा बड़ा 1 लिया, 4 ले लिया। अब देखो ये 1800 है और यहाँ पर ये 200 के आसपास है, तो 2 नंबर 1800 से ज़्यादा है, तो 9 बार जाएगा, ये आइडिया लग गया,
छक 54, हासिल लगा 5, 9 9 81, 81 और 5 86, हासिल लगा 8, 9 1 9 और 8 17, घटाएंगे तो 12 में से 4 गया 8, और इसने हासिल दिया था 15 में से 6 गया 9, सिर्फ 98 बचेगा, ठीक है, और यहाँ से 0, तो ये 1000 के आसपास है, 5 बच जाएगा, 5 6 30, हासिल लगा 3, 5 9 45, 45 और 3 48, हासिल लगा 4, 5 1 5 और 4 9, तो ये एक ही बार में सरल हो गया क्योंकि शेषफल ये मेरे को 0 दे रहे हैं। कितनी बार भागफल गया? 195 बार। शेषफल क्या गया? 0। एक ही चरण में सॉल्व हो गया पूरा। तो रूल क्या कहता है? जिस संख्या से आपने अंतिम बार भाग दिया था 196, चूंकि शेषफल हमें क्या मिल गया यहाँ पर, शेषफल 0, व भाजक शेषफल 0 किस भाजक पर मिला मेरे को? 196 भाजक पर। अतः जो HCF होगा वो क्या होगा? 196 होगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, HCF, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर हमारे किस पार्ट पे, इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 867 और 255, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक। उसमें क्या होता है कि ये दो नंबर में बड़ा कौन सा है? 867 बड़ा है किससे? 255 से। अतः चरण वन में क्या करोगे? स्टेप वन में 867 यहाँ लिखोगे, बड़ा वाला इस तरफ, छोटा वाला इस तरफ, छोटे वाले से बड़े वाले में क्या करना है? भाग देना है। और ये जो भाग वाग में कम कर रहे हैं ना, आपको यहीं पहले ध्यान, जैसे मैं कर रहा हूँ, ये नहीं कि पीछे छुपा के कर रहा हूँ, एकदम चोरी छुपे कोई देख ना ले, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी काम कर रहे हो सामने कर दूँ, एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि भाई जिसने ये किया उसको पता है, उसे रट्टा नहीं मारा है। तो ये सब जो कैलकुलेशन है वो आप यहीं करो, एग्जामिनर को दिखाते हुए कि भाई पता चले, ठीक है। चोरी छुपे पीछे पीछे मत करने लग जाना, सामने सामने ही करना है। तो यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर भी 3 अंक लेंगे, तो कितनी बार जाएगा, है ना? वो देखिए कितनी बार जाएगा, आइडिया लग रहा है 3 बार जाएगा, 25 75 ना, 3 बार जाएगा। 3 5 15 हासिल लगा 1, 3 5 15 और 1 16 हासिल लगा 1, 3 2 6 और 1 7 घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 0, 102 बचा। कितनी बार गया? 3 बार, और शेषफल क्या बचा? 102, ठीक। अब इसमें और इसमें बात करेंगे। अब यहाँ लिखोगे अब चरण दो, चरण दो में क्या जाएगा? ये वाला नंबर इस तरफ, ये वाला नंबर इस तरफ, फिर क्या करोगे? 102 से भाग देना है 255 में, 2 बार जाएगा, पता लग रहा है क्लियरली, 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2, घटाएंगे तो क्या जाएगा? 1 5 51 आ जाएगा। तो 2 बार गया और शेषफल क्या बचा? 51। यहाँ से लेंगे चरण तीन, ठीक है, चरण तीन ले लिया। चरण तीन में क्या होगा? 102 इधर आएगा, 51 इस तरफ। अब हमें क्या करना है? 51 से भाग देना है 102 में, 51 2 2 102, शेषफल क्या गया? 0। 2 बार गया था और शेषफल 0 आ गया। हमें तब तक करना होता जब तक कि शेषफल क्या ना जाए? 0। 0 के जस्ट ऊपर वाला क्या? आपका HCF होता है। HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 51 आंसर। तो यूक्लिड विभाजन पर वैसे हमने HCF निकाल दिया आराम से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय और एक होता है यूक्लिड विभाजन लेम्मा, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन लेम्मा से सॉल्व होगा।
कह रहे दर्शाइए कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पहले दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का ही होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, प्रश्न को हमें ढंग से देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें बताना है कि विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 का होता है, यही बोला है। देखो लॉजिक क्या लेना है, लॉजिक सोचने का लॉजिक, आप सोचोगे कैसे, किस रूप में 6q+1, 6q+3, 6q+5। आपको बताया ए इसका स्क्वायर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ बी के प्लेस पे देखो क्या है, 6 6 6 फिक्स है। तो ये मेरे को लॉजिक लग गया, तो मैं क्या लिखूँगा, माना ए एक विषम पूर्णांक है, जो यहाँ 6 6 बोला था ना, तो 6 लेना, जो 6 से बड़ा है, अर्थात बी का मान क्या आ जाएगा, 6। अतः जब बी का मान 6 है, तो अतः शेषफल जो होगा, अतः शेषफल 6 से कम होगा, यानी कि शेषफल आर का मान क्या होगा, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 से कम होगा, इतने ही होंगे। तो कितने केस बने, 1 2 3 4 5 6 केस बन गए। अब 6 केस पे आपको बात करनी है। अब आप क्या देखो, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, ए इज़ टू बी क्यू प्लस आर, यही होता है, होता है कि नहीं होता है। अब हमारे पास केस वन, केस वन क्या है, देखो केस वन, बी तो 6 फिक्स है, 6q, आर केस वन में कितना है, 0। केस वन में क्या लिखोगे, यहाँ पर जब आर का मान क्या है, 0 है, ऐसे लिख देना, तो ए का मान क्या आ जाएगा, 6q। ये क्या होगा, 6q क्या होगा, 6q होगा आपका एक सम संख्या। 6q क्या होगा, एक सम संख्या होगा, क्योंकि कोई भी क्यू पूर्णांक हो, क्यू कोई भी पूर्णांक हो, उसे उसे 6 से गुणा करने पर, क्योंकि कोई भी संख्या हो, चाहे वो क्यू आपका विषम हो या सम हो, किसी संख्या को सम से गुणा करने पर वो सम बन जाता है। 6 से गुणा करने पर सम संख्या बन जाती है। ठीक है, आप चाहो तो उदाहरण के रूप में देख सकते हो, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने क्यू ले लिया है 3, और एक बार क्यू ले लिया है 5, या और एक बार ले लिया है 6। इनको सबको मैं 6 6 से गुणा कर दे रहा हूँ, तो देखना क्या बनता है। 6 3 18 सम संख्या, 5 6 30 सम संख्या, 6 6 36 सम संख्या। तो विषम संख्या हो या सम संख्या, उसको अगर सम संख्या से गुणा करोगे तो हमेशा क्या बनेगा, सम संख्या। तो ये जो 6q है, तो ये क्या है, एक सम संख्या। और सम संख्या में विषम जोड़ने पे क्या आता है, विषम छोटी क्लासों में पढ़ा है आपने। अब आप लिखोगे केस टू। देखो इतना डिटेल में समझा रहा हूँ मैं, एकदम डीप एक्सप्लेनेशन के साथ। केस टू, जब आर का मान क्या ले लोगे, 1, तो ये तो फिक्स है, ये बराबर क्या हो जाएगा, 6q, और आर के जगह पर क्या रख दोगे, 1। तो ये 6q क्या है, सम, एक क्या है, विषम। तो सम और विषम क्या होता है, विषम। तो विषम आ गया, तो ये जो 6q+1 होगा, ये क्या होगा, विषम होगा। ठीक है, फिर केस थ्री, ए इज़ टू 6q+2, तो ये क्या होगा,
सम प्लस सम यानी कि सम, ठीक है, केस फोर। केस फोर क्या होगा, जब आर का मान यहाँ टू लिया, जब आर का मान हम क्या लेंगे थ्री, तो ए इसका स्टिक हो जाएगा सिक्स क्यू प्लस थ्री, यानी कि सम प्लस विषम क्या होता है, विषम, तो ये भी विषम आ गया, ये सेकंड है, ठीक है, थर्ड लिख दिया मैंने, सिक्स क्यू प्लस थ्री भी क्या आएगा, विषम। केस फाइव, जब आर का मान आप क्या लोगे फोर, तो ये क्या हो जाएगा सिक्स क्यू प्लस फोर, यानी कि सम प्लस सम यानी कि सम, तो इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे को विषम बताना है ना। एंड केस सिक्स, जब आर का मान फाइव लोगों तो ए क्या हो जाएगा सिक्स क्यू प्लस फाइव, सम प्लस विषम यानी कि विषम, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण एक तीन दो एक से स्पष्ट है, एक दो तीन से स्पष्ट है, ये लिखना है, समीकरण एक दो व तीन से स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि जो भी क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट होता है वो लिख देना है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस वन, सिक्स क्यू प्लस थ्री, सिक्स क्यू प्लस फाइव के रूप का होता है आंसर। इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन को प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है, समझना है, करना है, ठीक है, तभी आपको पूरे पूरे नंबर मिल पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीन क्या बोल रहे हैं, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है, इन टुकड़ियों में उनके पीछे मार्च करना है टुकड़ी बना बनाकर, और हमसे पूछ रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। यहाँ पे एक वर्ड आया है, की वर्ड बोलते हैं इस टाइप के, है ना, इस क्वेश्चन का ये की वर्ड है अधिकतम संख्या जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। जब भी ऐसे आएंगे ना, अधिकतम, अधिकतम के लिए निकालना होता है एच सी एफ, और यहाँ अगर बोलता है न्यूनतम तो निकालना होता है एल सी एम। अधिकतम के लिए क्या आएगा एच सी एफ, और न्यूनतम के लिए क्या आएगा एल सी एम। तो हमें 616 और 32 का क्या निकालना है एच सी एफ, वही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का लॉजिक निकल के ये आया है और ये हमें करना है। सो क्वेश्चन नंबर थ्री है, सो जो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हल जो होगा, हमारा जो हल होगा वो क्या होगा, वो एच सी एफ होगा। एच सी एफ क्या होगा, किसका किसका, 616 और 32 का जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सो इसको हम किस विधि से करें, आपका आपका मन जिस भी क्वेश्चन जिस भी तरीके से करना चाहे कर सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही करेंगे, तो यूक्लिड क्योंकि इसमें बोला नहीं है ना, तभी हम किसी भी मेथड से कर सकते थे, परंतु हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही उपयोग कर रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 616 बड़ा है 32 से, तो यहाँ लिखेंगे चरण एक 616 इस तरफ 32 इस तरफ, 32 से भाग देंगे किसमें 616 में, यहाँ भी दो अंक, यहाँ भी दो अंक ले लेंगे, 32 दूनी 64 ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो 32 एकम 32, 11 में से दो गया 9, 5 में से 3 गया 2, पीछे से 6, ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो लगभग 300 के आसपास हैं और यहाँ पर 32 है, सो आइडिया लग गया कि 9 बार जाएगा, है कि नहीं, आइडिया क्या लग रहा है, देखो 9 बार जाएगा, तो 9 बार लेते हैं, 9 दुनिया 18 हासिल लगा 1, 9 दिया 27, 27 और 1 28, घटाएंगे 16 में से 8 गया 8, तो सिर्फ 8 ही बचा शेषफल, तो गुणा कितनी बार गया 19 बार,
शेषफल कितना बचा? 8। इसकी बात करेंगे चरण टू में। चरण टू यहाँ 32 आ जाएगा और यहाँ 8। अब आपको 8 से भाग देना है किस में? 32 में। 8 चौके 32 घटाएंगे तो शून्य, तब तक करना होता जब तक कि शून्य ना आ जाए। कितनी बार गया? 4 बार। शेषफल क्या बचा? 0। 0 के जस्ट ऊपर वाला हमारा क्या होता है? आंसर। सो कितनी टुकड़ी बनेगी हमारे पास? 8। तो आंसर क्या होगा? कितने टुकड़े होंगे? टुकड़ी या टुकड़ी जो भी लिखा है, 8 टुकड़ी आप बना सकते हो 32 32 के 616 सदस्यों की। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेना के 8 स्तंभों की हम टुकड़ी बना सकते हैं। बराबर, ये हो गया आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m+1 के रूप का ही होता है। ठीक है, क्या बोला? पूर्णांक का हमें वर्ग करना और फिर वर्ग का जो रूप आएगा m के लिए इस रूप का दिखाना है, 3m या फिर 3m+1 का। ठीक है, करते हैं। सो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या है? देखो वही चीज है, माना पूर्णांक ए के लिए, ठीक है, पूर्णांक ए के लिए है 3m या 3m+1 है। तो यहाँ यहाँ बी क्या हो जाएगा? यहाँ बी हमें लेना पड़ेगा 3, वह अर्थात जो आर होगा, अर्थात आर होगा वो 3 जगह में होगा, यानी कि 0, 1, 2 होगा। ये पता लगा हमें। अब फिर क्या लिखोगे यहाँ पर? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए इसका स्टू क्या होता है? b³ + r होता है ना। तो फिर से वही चीज़, केस वन क्या है? जब r का मान आप 0 लोगे तो देखो a तो चलो फिक्स है, b हमारा कितना है? 3 है, और q की जगह क्वेश्चन में m बोल रहे हैं तो m ले लेते हैं, और r पहले केस में क्या लेना? 0। तो a² = 3m। अब बोलोगे आंसर आ गया, गलती कर रहे हो आप, क्योंकि स्क्वायर बोला है, स्क्वायर तो अभी तक किया ही नहीं हमने। अब यहाँ पर लिखोगे स्क्वायर करने पर, यानी कि वर्क करने पर, वर्क जब हम कर देंगे वर्क ईज हो जाएगी, तो ई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का वर्ग 9, एम स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? 3 उभयनिष्ठ ले सकते हो, 3 + 9। माना ये जो 3m² को आप क्या मान लो? m मान लो। तो ए स्क्वायर क्या आ गया? 3m का रूप, यही तो मैं बताना था। या तो 3m आएगा या फिर 3m+1 के रूप का आएगा। केस वन में हो गया, केस टू जब r का मान आप क्या ले लोगे? 1। तो a² क्या हो जाएगा? 3m+1। फिर क्या करोगे? वर्क करने पर। तो वर्क करने पर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? a² 3m+1 का। ये आपको सूत्र पता है, a + b² क्या होता है? a² b² 2ab। इस सूत्र से इसको हम खोल देंगे, a² b² 2a × b। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे, 3 × 6 m और 1 का वर्ग 1। यहाँ से सिर्फ 3m कॉमन निकालेंगे हम, 3। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या था? स्क्वायर था, तो 3 बाहर निकाला तो 3 बचा अंदर, m² 3 × 6 m बचा। इसको m मान लेंगे, माना 3m² + 2m को क्या मान लिया? कैपिटल m। तो ये हो जाएगा 3m+1 का रूप, या तो 3m आएगा या फिर 3m+1 के रूप में आएगा। आगे 3m+1
केस थ्री में क्या होगा जब आर इजकस टू हमारे पास क्या आएगा, कितना टू, सो ए इजकस टू क्या हो जाएगा थ्री एम प्लस टू। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, फिर से हम खोलेंगे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर टू ए बी, ठीक है। सो देखो इसको मैं कैसे लिखूँगा, ये हो जाएगा नाइन एम स्क्वायर, दो दूनी चार थी बारह एम, दो का वर्ग चार, चार को मैं ले सकता हूँ थ्री प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तीन उभयनिष्ठ हैं, तीन तिया नौ एम स्क्वायर, तीन चौके बारह एम, तीन एक्कम तीन, इसको मैं क्या मान लूँगा एम मान लूँगा, तो यह आ गया थ्री एम प्लस वन के रूप, इसे मैं समीकरण तीन मान लेता हूँ। तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण एक दो तथा तीन से यह स्पष्ट है कि किसी भी संख्या किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर थ्री एम या थ्री एम प्लस वन के रूप का आता है, बस ये लिख देना है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, कह रहे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब वो वर्ग कर रहा था ये घन करना है हमें, घन करने पर m 9m प्लस वन या 9m प्लस एट के रूप का आता है, ठीक है। अब की बार आपको घन करना है, तो आप देख रहे होंगे 9, 9, तो देखो 9, 9 करके करोगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा, अगर आप b को 9 मान लोगे ना तो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक है, माना जो धनात्मक पूर्णांक है, माना धनात्मक पूर्णांक ए है, वह जो बी है, बी को हम क्या मान लेते हैं थ्री मान लेते हैं, थ्री क्यों माना है, इससे थ्री मानने पे आर के मान जीरो वन टू आएंगे, केस कम हो जाएगा, और साथ ही साथ तीन का वर्ग करने पे नौ आता है और घन करने पे सत्ताईस आता है, यानी कि नौ के मल्टीपल्स आ रहे हैं, नौ के गुणनफल के रूप में आ रहा है ना, इसलिए हमने इसको ऐसा माना है। माना धनात्मक पूर्णांक ए है वह बी तीन है, अर्थात आर का मान या तो जीरो होगा एक होगा या दो होगा, फिर क्या लोगोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या बोलता है, वो क्या बोलता है ए इजकस टू बी क्यू प्लस आर बोलते हैं, और यहाँ पर बी हमारा कितना है थ्री है, क्यू की जगह पर एम बोला है, और आर तो वेरी करेगा, कभी जीरो होगा कभी एक होगा कभी दो होगा। अब हम यहाँ पर केस बनाएंगे, केस वन, जब आर का मान जीरो है थ्री एम प्लस जीरो, तो ए का मान क्या होगा थ्री एम। अब हमें क्या करना है, घन करने पर, घन करोगे तो ए क्यूब, ठीक है, घन करो तो तीन का घन क्या होता है, तीन तीन नौ थी सत्ताईस एम क्यूब, तो यहाँ से देखो नौ उभयनिष्ठ ले लो, नौ थी सत्ताईस, इसको क्या मान लो m, तो क्या आ गया 9m रूप। तो किसी भी संख्या का घन करने पे 9m 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप में आएगा, यही हमें बताना है। तो पहला आ गया 9m के रूप में, आराम से हो गया। अब आ जाओ केस टू में, जब r का मान क्या लोगे 1, तो a हमारे पास क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, फिर क्या करोगे आप, घन करोगे, और आपको सूत्र पता होगा a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब बी क्यूब थ्री ए स्क्वायर बी थ्री बी स्क्वायर ए, सूत्र होता है ये पता ही आपको। अब हम यहाँ पर रख देंगे सूत्र में, सो यहाँ से हो जाएगा a का क्यूब b का क्यूब थ्री ए स्क्वायर इंटू बी प्लस थ्री बी स्क्वायर,
तो इसको 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 एक साथ रखो, यहाँ से देखो, यहाँ इसका मतलब होता है 27 m³। यहाँ से है देखो कितना, 3 × 9 = 27, यहाँ 9 m² × 3 है, ऐसे लिख देते हैं। और यहाँ है 3 × 9 m, और यहाँ एक का कितना भी क्यूब करो, एक की पावर में कितना भी हो तो वो एक ही रहता है। तो यहाँ से उभयनिष्ठ क्या जाएगा, 9 × 9 = 27, 9 × 1 = 9, तो 3 m² बचा, 9 × 1 = 9, यहाँ से m बचा इधर एक। अब इसको मैं क्या मान लूँगा, m, तो ये क्या हो जाएगा, 9 m + 1 रूप, या तो 9 m का होगा या फिर 9 m + 1 का रूप होगा। आ गया केस 3 में, 9 m + 8 आ जाएगा केस 3, जब r का मान 2 है। तो ए इज कस्टू क्या हो जाएगा, 3 m + 2। फिर दोनों तरफ क्या करना है, घन लेना है, ठीक है, घन करेंगे, ए का क्यूब बी का क्यूब, ठीक है, 3 a² b 3 b² a, सूत्र में रख दिया। यहाँ से 27 m³, 8, 3 × 9, 9 × 18 m², 3 × 9, 9 × 9 = 27, 9 × 9 = 36। तो इन तीनों में से एक, इन तीनों को एक साथ रखूँ और कॉमन निकालो, 9 × 9 = 27 m³, ठीक है। फिर देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 × 9 = 18 और 9 × 9 = 36, और ये प्लस के 8 अलग। अब इसको मैं क्या मान लूँगा, m, तो ये क्या हो जाएगा, 9 m + 8 के रूप। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1, 2 तथा 3 से यहाँ से लिख देना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप का होता है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, बाकी सभी चैप्टर करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद।